पूरे भारतवर्ष में स्कूली बच्चों के ऊपर बढ़ रहे दुष्कर्म हत्या जैसे मामलों को लेकर आज हम एसएससी साहब से मिले हैं। हमारा ये कहना है कि प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलिंग की व्यवस्था हो जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए यदि उनके खिलाफ ऐसी कोई दुष्कर्म की ऐसी घटना हो। नंबर सेकंड चीज़, सुरक्षा के उपाय सुदृढ़ होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, फोर्थ क्लास, स्कूल ड्राइवर, कंडक्टर, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन बड़ी सख्ती से होना चाहिए। सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही स्कूल को चलने की इजाज़त देनी चाहिए और स्कूल प्रबंधकों को पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी उनकी एक तय होनी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे के खिलाफ जो ये घटना हो रही है वह ना हो। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। और इसमें हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं एसएसपी साहब को कि आप काउंसलिंग की व्यवस्था करें। यदि स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ छेड़ाखानी वगैरह कुछ भी हो तो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस से सबको बता सके। इसी के साथ साथ ड्राइवर, कंडक्टर, नॉन चीटिंग स्टाफ की भी जो है पूरी काउंसलिंग होनी चाहिए। उनको पास्को जैसे बहुत मजबूत कानून हमारे हैं उनकी जानकारी देनी चाहिए कि उनको यह हो जाए कि अगर हमने कुछ भी छेड़ाखानी, कुछ भी हत्या या दुष्कर्म किया तो हमें बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है।